अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके? आई होप कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो जी आज तो बाहर धूप का ना एक कड़कता हुआ आलम है बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। अभी मैं बाहर गई तो एक सेकंड के लिए भी बाहर नहीं जाया जा रहा था। इसका दुपट्टा शिफॉन का था जिसको धोकर ना मैंने खड़ा किया, क्योंकि उसको इस्त्री तो नहीं करना पड़ता। अच्छा, इसमें यह ना कुछ ज़्यादा ही रेड रेड लग रहा है, जबकि ये बहुत ही प्यारा सा रेड कलर है। पता नहीं इसमें ऐसा क्यों लग रहा है, तो शायद फ्लैश की वजह से या क्या। ये जो कलर है बहुत ही प्यारा सा, मैं आपको जिस तरह ये वीडियो में नज़र आ रहा है ना एक डीप रेड, ये वो वाला कलर नहीं है। बट खैर, आज मेरा जो है ना वो लाल परी बनने का दिल चाह रहा था, नीली परी आना, छुप छुप के आना, लाल परी आना। तो ये सिंपल जो है ना नेट मैंने ली थी, इसका फ्रॉक मैंने बनवा ली थी, बिल्कुल सिंपल सा, लाइक कैजुअल सा, कि जो घर में भी बंदा आराम से पहन सके। कॉटन नेट है इसलिए मैं इसको पहन रही हूँ, वरना गर्मी में दूसरी नेट बिल्कुल नहीं, रेशमी वाली नेट नहीं चलती है। तो बस अभी मैं जाने लगी थी ससुराल, आज मैं सिर्फ थोड़े से टाइम के लिए जाऊँगी, असर या मगरिब तक जो है वो मैं वापस आ जाऊँगी, क्योंकि फिर मुझे अपने पेपर की आकर तैयारी करनी है। आज रात तक बैठने वाला सीन नहीं है। तो बस अभी मैं फ़्रेश होने लगी हूँ, फ़्रेश होने के बाद जो है ना वो फिर मैं इंशाल्लाह हम लोग चले जाएँगे बाहर। इतनी धूप है ना, कसम से दिल कर रहा है एकदम से बस कुछ अच्छी सी बारिश हो जाए या मौसम अच्छा हो जाए, मेरे ड्रेस के हिसाब से मौसम हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने सोचा कि अम्मी के कपड़े आपको दिखा दूँ जो सिलकर आए थे, तो हल्के फुल्के से डिज़ाइन, बल्कि डिज़ाइनिंग तो नहीं, बस इस तरीके से ना सिर्फ मैंने हल्के हल्के से बटन्स लगवा लिए थे। अम्मी ने कहा था बस अपने पसंद से ना पाइपिंग्स वगैरह और बटन्स वगैरह जो कुछ भी होगा तो लेकर दे देना। तो बड़े ही ज़बरदस्त जो है ना वो सिले हैं उन्होंने, बड़ी नफासत से सी हैं माशाल्लाह से। तो ये अम्मी के कपड़े सिले हुए आए थे, तो मैंने कहा चले मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से बटन्स लगवा लिए थे, और ये वाला तो बिल्कुल सिंपल सिलवाया था, इस तरीके से इसका गला लगवा के, और इसके साथ भी जो है ना वो दामन पे इस तरीके से पाइपिंग लगाई हुई है। ये और एक ये है, बस ये देखिए बड़े खूबसूरत। अच्छा, इस ड्रेस के साथ के मुझे कोई अच्छे से बटन नहीं मिलते, फिर मुझे ये मेटल वाले मिल गए, तो मैंने ये ले लिया। ये बहुत ही प्यारा सा रिफ्रेशिंग सा कलर है। अम्मी यानी ये कि मेरी सास के मदर इन लॉ के ये कपड़े हैं। ये देखिए साथ में इन्होंने लेस लगाई है, नीचे ये कपड़ा खुद ही लगा देते हैं कि थोड़ा सा ना वो एक फॉर्म आ जाता है ड्रेस में, लगे पायदारी आ जाती है, थोड़ा सा ना एक एलिगेंट सा लुक आ जाता है। तो ये एक लेस लगवाई थी मैंने, नीचे कपड़ा वो खुद ही लगा देते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सिलाई किए हैं। और अम्मी तो ट्राउज़र्स नहीं पहनती हैं, शलवारें पहनती हैं, तो बस ये पांचों वाली शलवारें बनवाई थी उनकी। तो बस अब मैं निकलने लगी थी, ड्रेस मैं आपको अपना दिखा देती हूँ। उस तरीके से सिंपल सा ड्रेस था मेरा, ये देखें जी। तो बस अभी मैं निकलने लगी हूँ। हेलो मिस्टर बकरा, डू यू मिस मी? सबर करो मैं आ रही हूँ, देखो जरा। उतरते साथ ही ना मैंने पहले इनको सलाम किए, और देखिए ना कितने प्यारे हैं माशाल्लाह। यस लुक एट हिज और हर आईज, आई डोंट नो। हेलो मेरे चाच, नंदे उधर नजर आ गया है। ये दो बकरे वाले जो दांत आ गए ना, कोई लेके चला जाएगा कुर्बानी के लिए। दे इधर मेरा ग्लास है, दे इधर। मतलब अब हम लोग चटनी जी खाना खा। आमना ने आज कोई डिफरेंट स्टाइल का पुलाव बनाया जो बहुत मजे का है। कौन सी चम्मच? आज मैं अपनी जगह पे नहीं बैठी ना, लिहाजा आज मुझे मांगनी। अच्छा, सो गाइज अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज जो है ना वो सुबह से व्लॉग स्टार्ट करने का मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि कल मैं वापस आई तो कुछ पढ़ रही थी। तो अभी जो है वो मैं आ गई हूँ अपने सेंटर में पेपर देने। मेरा आज फिर दोपहर का पेपर है, और इतनी कोई शदीद किस्म की गर्मी है, धूप है, धूप का आलम देखकर। और इधर जो है ना वो हमारे होते हैं पेपर्स यहाँ पर, तो इंशाल्लाह अभी मैं जा रही हूँ अपना रोल नंबर ढूँढने।
हवा देखें जी, आज तो हमारा सफर जल्दी हो गया। धूप का क्या आलम है। पाकिस्तान में ना जुल्म की इंतहा आई हुई है, कसम से। मैं अभी पेपर देखी, मैं जब घर से देखे, मेरे हाथों का हाल देखें, पेपर दे देखे, स्टूडेंट वाली एक फीलिंग आ रही है। अच्छा, मैं जब घर से गई तकरीबन 12:30 का टाइम था, उस टाइम पे लाइट नहीं थी। मैं जब वहाँ गई वहाँ पे लाइट नहीं थी, अब मैं घर आई हूँ तो घर पे दोबारा लाइट नहीं है। लिटरली मेरे सर में अब इस टाइम पे इतना सख्त किस्म का दर्द हो रहा है, मुझे इतनी कोई अजीब सब इस पर दिल चाह रहा है मैं सबका सर फाड़ दूँ। शदीद किस्म की गर्मी है और लोड शेडिंग एंड टाइप की आज बहुत ज़्यादा हो रही है। वैसे तो कल से तो इतना नहीं था, और हमारे UPS का भी मसला है कि UPS जो है वो ख़राब हुआ है, वो थोड़ी देर चलता है उसके बाद वो बंद हो जाता है। तो उस टाइम में ना मैं फुल गर्मी में बैठी हूँ, तपी हुई बैठी हूँ, शदीद सर में मेरे दर्द शुरू हो गया है। दोपहर के जो पेपर्स होते हैं उनका ये एक फ़ायदा होता है कि मैं बिल्कुल भी अर्ली मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, तो उस लिहाज से मैं थोड़ा फ्रेश होती हूँ जब मैं दोपहर में उठ जाती हूँ, तो पेपर ज़रा आराम से अच्छे से अटैम्प्ट करके दे आती हूँ। लेकिन एक नुकसान ये है कि बहुत शदीद गर्मी होती है भाई, बहुत गर्मी होती है, फुल इतना सर में दर्द शुरू हो जाता है ना। खैर, यहाँ पे ना मैं अब आपको एक चीज़ जो है वो, कल मैंने परसों इंपीरियल चिकन बनाया था तो उसकी एक छोटी सी मैंने क्लिप रिकॉर्ड कर ली थी, मैंने कहा था किसी व्लॉग में एडजस्ट करके आपको दिखा दूंगी। तो यहाँ पे इंपीरियल चिकन का जो है वो मैं आपको दिखाने लगी हूँ रेसिपी। इसके बाद की जो नेक्स्ट वीडियो है वो उस इंपीरियल चिकन की होगी। बहुत मज़े का बनता है, बहुत अच्छा बना था, हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा था, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है वो रेसिपी। तो यहाँ पे मैं व्लॉग को एंड करी हूँ, अब आप आगे जाके इंपीरियल चिकन की रेसिपी देखेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, यहाँ पे ना मैं तैयारी करने लगी थी इंपीरियल चिकन बनाने की। इंपीरियल चिकन बहुत ही मज़े की क्रिस्पी सी है, आप इसको टी पार्टीज़ में भी सर्व कर सकते हैं और सर्व कर सकते हैं आप इसको डिनर वगैरह में भी। अच्छा, सबसे पहले ये चिकन है, चिकन को कट्स वगैरह लगा लिए थे, ठीक है। और इसके अंदर जाएगा तकरीबन 3-4 टेबलस्पून जितना कॉर्नफ्लोर, एक अंडा। अच्छा, ये रेसिपी जो है ना, अभी तो मेरी एक बहुत ही प्यारी सी पप्पू हैं, ये उन्होंने मुझे ये रेसिपी बताई है। तो इससे पहले ये रेसिपी मैं खुद भी बनाती थी, लेकिन मुझे इसका कोई नाम नहीं आता था, मुझे समझ नहीं आती थी यार इसको क्या बोलेंगे। तो एक दो इंग्रेडिएंट्स के डिफरेंस से जो है ना उन्होंने मुझे ये रेसिपी बताई है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं भी बहुत अरसे से इस तरह की चिकन बना रही हूँ, लेकिन इसके ना कोई नाम मुझे नहीं याद आ रहा था, कोई खूबसूरत सा नाम इसको मैं दूँ मुझे याद नहीं आ रहा था, तो मैं इसलिए दे नहीं सकी। तो इंपीरियल चिकन जो है वो बहुत ही प्यारा सा नाम है और इसकी रेसिपी भी बहुत अच्छी है। गाढ़ा वाला आपने दही लेना है सिर्फ और सिर्फ 2 चम्मच, ठीक है, अगर पतला है तो फिर 1 चम्मच। उसके बाद आ जाते हैं स्पाइसेस की बारी। नमक है, हल्दी है, लाल मिर्च है, कुटा हुआ ज़ीरा है, भुना कुटा मसाला है तकरीबन 2 चम्मच बड़े भर के, ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है। उसके बाद है जर्दे का थोड़ा सा कलर डाल के इसको अच्छे से मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग करके और बस हमने इसको फिर डायरेक्ट फ्राई करना है। इसके बाद इसके अंदर और कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई कोटिंग नहीं जाएगी, कुछ भी नहीं जाएगा, बस अब ये सिर्फ डायरेक्ट फ्राई होगा। इसको थोड़ी सी देर के लिए हमने जो है ना वो बस मैरिनेट करके रखना है। तो मुझे नहीं पता कि ये अब जो वाली वीडियो है वो मैं अपने किस वाले व्लॉग में ऐड करूँगी, इंशाल्लाह आगे आने वाले व्लॉग में कोई भी जो 2-3 इकट्ठे मैं व्लॉग बना दूँगी तो उसमें फिर इंशाल्लाह ये रेसिपी भी ऐड कर दूँगी। आपने ज़रूर ट्राई करनी है, ये बहुत अच्छी मज़े की बनती है, स्पेशली टी पार्टीज़ पर तो बहुत अच्छी लगती है क्रिस्पी चिकन, या ईद वगैरह पर अगर आ रहे हैं तो मेहमान आ रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताती चाहूँ कि इस रेसिपी से आप लोग चांपे भी बना सकते हैं, ईद आ रही है आगे, तो जो क्रिस्पी फ्राइड चांपे होती हैं वो आप इस रेसिपी से भी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मारिया से मिले, मारिया आ गए हो, क्या हाल है, ठीक है। आज मारिया आई है मुझसे मिलने और मेरे लिए बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट लेके आई है, ये मोती का फूल जो कि मैं अभी उठा नहीं सकती क्योंकि मेरे हाथ गंदे हैं। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे मैं चिकन को जो है ना वो फ्राई करी हूँ, गैस एज यूजुअल चली गई है, तो चिकन को जो है वो मैंने कुछ भी नहीं लगाया, बस जो इसकी कोटिंग थी उसी के साथ जो है वो मैंने इसको डाल दिया। इसको 5 मिनट्स के लिए आपने सिर्फ ढकना है और फिर 5 मिनट के बाद आपने सही खोलते हुए ऑयल में आपने इसको डालना है। 5 मिनट ढकने के बाद आपने इसका ढक्कन हटा लेना है और फिर इसको फ्राई करना है। बहुत अच्छी क्रिस्पी फ्राई होगी, अंदर से जूसी एंड क्रिस्पी, ये ट्रिक है चिकन को इस तरीके से फ्राई करने की।
ये देखें जी, हमारी मस्तार सी जो है ना इम्पीरियल चिकन, और मैं आपको इसका सिर्फ एक क्रस्ट दिखाना चाह रही हूँ। ये देखें, ऊपर से इंतहाई जो है ना क्रिस्पी है इसका क्रस्ट, ये देखें, और अंदर से ये बिल्कुल फुल जूसी है, बहुत मज़े की।